ASN24 पल पल की खबर। मुंगेली जिले के मजदूर गुजरात में लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। काम बंद होने के बाद उनके पास खाने के लिए राशन के इंतजाम नहीं होने से उनके सामने भुखमरी जैसी हालात पैदा हो रहे हैं। सभी मजदूरों ने अपने गृहग्राम जाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन से मदद की गुहार लगाई है। मदद की गुहार लगाते वीडियो में नजर आ रहे लोग छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के निवासी हैं, जो आर्थिक तंगी व गरीबी के कारण 2 महीने पहले गुजरात के वडोदरा जिले में बालाजी ग्रुप में मजदूरी करने पहुंचे थे। इस बीच कोरोना की वजह से संपूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित हो गया। मजदूरों ने स्वयं वीडियो जारी कर सरकार से मदद मांगते हुए बताया कि उनकी संख्या तकरीबन 50 के करीब है। परिवार में दुधमुहे बच्चों के साथ अन्य छोटे बच्चे भी हैं, जिन बच्चों को अब बिस्किट भी नसीब नहीं हो पा रहा। मैं मुंगेली जिला छत्तीसगढ़ थाना पथरिया ग्राम डांका चाका का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है बिहारी लाल राजपूत। गरीबी परिस्थिति के कारण गुजरात राज्य बड़ोदरा बालाजी कंपनी में काम करने आया हूँ, लेकिन लॉकडाउन के वजह से यहाँ पर काम बंद हो गया है। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रशासन भी हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग मुंगेली जिला के 50 मजदूर यहाँ पर हैं। गुजरात राज्य बड़ोदरा बालाजी कंपनी में हम लोग 50 मजदूर लॉकडाउन के वजह से फंसे हुए हैं। हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। इसलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि हम लोगों को अपने छत्तीसगढ़ ले जाने की मदद करें। आए हैं बिलासपुरी लेवर इसने कमाए खाए बर आए हैं। तेनी हाँ एक डेढ़ डेढ़ महीना हो गए फंसे हैं और न कोनो चावल देते न आटा देते न कुछ ऐसने पड़े हैं और कोनो देख रेख करैया हमार खोज करैया कोनो नहीं है। का करी तेन ला बताब और कतेक दिन ले इसने यहाँ परे रिबो हमन बलोदरा म बालाजी गुरु म हावन हमन और का करबो धरबो तेला बतावा। धन हमन इहे बैठे रही बलोदरा म। हाँ सर, गरीब आदमी कमाने खाने के लिए आए हैं बलोदरा बालाजी कंपनी में और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहे, मर रहे भू गरीब आदमी। छोटा छोटा बाल बच्चे धर के आए हैं, यहाँ जाने के लिए भी साधन नहीं कर रहे हो तो क्या करेगा बताओ तुम ही लोग। बड़ोदरा में पड़े हैं हमन और मोदी सरकार कहे है मतलब गरीब आदमी का पैसा कौड़ी सब के लिए देहूँ कह के कहे रही से आज तक इसे कौन दिन दे है नहीं दे है तेल वही बता ही आए और 25,000 रुपये गरीब आदमी ला दे के उद्घाटन वो दिन कहे रही से कहाँ दे पाए है आज तक। अमीर ला तो हर दिन हर समय मतलब पैसा कौड़ी दे जाते अभी भी अमीरे ला देवत है हैं। हमार गरीब ला कहाँ तक से दे है खाता में डालूँ कही थे कितका कन डाल कितका कन नहीं डाल हमारे ऊपर डालबे नहीं करे खाता में आज तक कहाँ डाले थे हमारे खाता वन में हैं। मोदी सरकार बने सरकार हम बनाए गए हैं हैं। हम घोड़ा के रहने वाला वहाँ से आए हैं बाहर माँ कमाए खाए भर हैं बालाजी ग्रुप कंपनी माँ हैं। डेढ़ महीना काम बंद हो चुके हैं। यहाँ 2 रुपया पैसा दे या नहीं है लोग लेगा तरह तरह के लिए हमार बार बहुत हम बहुत परेशानी में हन और जाए के भी हमार साधन नहीं कर पाते हैं। का बार पैसे छोड़ रही था तो जाबो हैं गाड़ी ट्रेन खुल गई रही तो हमन पैसा नहीं है काम जा पाबो हम नहीं हैं। यही हम लोग मोदी सरकार अब और हमार विधायक गुरुदयाल दास हमार विधायक हम जितवाए हैं हैं वही साधन से कुछ करवाए के हमारे करे छत्तीसगढ़ से आए हैं हम उनका। कोरोना वायरस की संक्रमण को मिटाने के लिए केंद्र सरकार ने संपूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित किया है। साथ ही राज्य सरकारें भी अपने राज्य की जनता कैसे सुरक्षित रहें इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां रख रखी है।
हमें यकीन है कि खबर की जानकारी होते ही सरकार गुजरात में फंसे मजदूरों की सुध लेते हुए उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने के साथ ही गृहग्राम लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। KSN 24 न्यूज के लिए कोरबा से संतोष दीवान की रिपोर्ट।